तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th, 11th या 12th का नहीं है ये वीडियो, ये है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं उसका जो क्वेश्चन पेपर है एनुअल का वो दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, जो कि 2018-19 में हुए हैं, यानी 2019 में जो मार्च महीने में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, अगर आप 7th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आता है, देखिए 2-2.5 घंटे की इसकी टाइमिंग होती है और मार्क्स वेटेज होती है 50 मार्क्स की। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में देखिए आपको एक चित्र दे दिया गया है, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है उसी के क्वेश्चन के, मतलब ये जो चित्र आपको दिखाया यहाँ पर इसी के आधार पर, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नंबर है 1.1, 1.2, ये 2-2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये है 1.2 है फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है, चॉइस वाले हैं, मल्टीपल चॉइस वाले। उसके बाद आता है आपका पैसेज नंबर 2, ये होता है आपका 7 नंबर का, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पैसेज दे दिया गया ढाई, ये 3 लाइन का। उसी के बाद आपसे 1-1 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं, तो आप देख सकते हैं ये 7 क्वेश्चन इस तरह से हैं। आप वीडियो को पॉज करके नहीं पढ़ सकते हैं, ये 7th क्लास के बच्चों के लिए मोस्टली स्पेशली ये वीडियो है। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 3 राइटिंग स्किल का, ग्रामर का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक वेडिंग, आपको यहाँ पर एक वर्ड्स में, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपके स्कूल के लिए। तो एप्लीकेशन का देखिए फॉर्मेट यहाँ पर ऐसे से बता दिया गया है, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन, बट आपको क्या करना है, बस वहाँ पर भरना है किस तरह से, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए आपने किस तरह से यहाँ पर भरना है, भरा हुआ है। इसके अथवा में है आप फिर यहाँ पर एक आपको एक अपने फैमिली को एड्रेस लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर जो भी है आप देख सकते हैं किस तरह से ये हुआ है। तो डेट देख सकते हैं 27/2019 है, ठीक है। उसके बाद ये नाम वाम जो भी है मतलब बीच में क्या क्या बनना है वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रीज के ऊपर, ठीक है। स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, बस आपको इसमें से जो 5 पॉइंट ये जो वर्ड्स हैं इसको आपको इसमें भरना है, कहाँ कहाँ पर क्या आएगा। मुझे नहीं पता कि बच्चे ने ये सही बताया नहीं बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बच्चे ने फील किया है, और आप देख लीजिए आपने किस तरह से फील किया है और आपका सही है गलत है, ठीक है। उसके बाद SEC में दूसरा है आपका रिपब्लिक डे पर किस तरह से इसने भरा है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन नंबर 3 ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर में देखिए सबसे पहले आपको कंजक्शंस पूछे गए हैं, अबाउट और व्हाट, ठीक है, एक एंड है और एक व्हाट है, ठीक है। तो पहले में मुझे नहीं पता बच्चे ने ये इसने भर दिया पूरा, तो मुझे नहीं पता इस बच्चे ने सही भरा है गलत भरा है। आप देख सकते हैं 5 नंबर का है, 5वां क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 6वां क्वेश्चन है, 2 नंबर का। इसमें आपको आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, वर्ड को आपको सेंटेंस में वो वर्ब जो भी क्रिया है उसको आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। फिर 7वां क्वेश्चन है प्रीपोजिशन आपको इसमें पहचाननी है, लिखना है, ठीक है, 2 नंबर का है। फिर आता है यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको तोड़ के आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स होता है, आपको 2 चीज दिए होते हैं जैसे हैव, हैज, वाज, वर हो गया, इनमें से आपको कोई एक भरना होता है। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 10, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक पोएम आता है, पोएम की 2 लाइन दी हुई हैं, उसी के आधार पर 1-1 नंबर के आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें आपको एक और दूसरी पोएम यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और इसमें से आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे 1-1 नंबर के। फिर 1-1 नंबर के आते हैं आपके पास 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में से आपको सारे के सारे करने होते हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या करना है, एक आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो ये 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, शेल्टर, ट्री हाउस, हाइड एंड सीक, ये आपको इसमें भरना है। या फिर अथवा में आप ये कर सकते हैं स्माइलिंग, स्मिकिंग, हैप्पी, कॉन्फिडेंस, में आपको इन 4 में से कोई 3 यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर था 7th के बच्चों का। तो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा, अगर आप 7th के बच्चे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।